Guys, welcome to Maths Learning. This video contains the solution for in-text question of page number 176 given in NCERT physics book. Chapter is light. So the first question is, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away the normal and why? तो मैंने बताया है कि जब भी कोई लाइट रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है. तो इसका आंसर सेम होगा, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर विच इज़ अ रेयरर मीडियम टू वाटर और ग्लास विच इज़ अ डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल. क्यों होता है इसका एक और रीज़न है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना. तो ये दो रीज़न लिखना है. एक तो पहले लिखना है कि स्पीड जो होता है एयर में ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन, और रेयरर से टू डेंसर में जा रहा है तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा. ठीक है, ये क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्या, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. वॉट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो इसमें फॉर्मूला लिखना है. देखो एयर ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है. फर्स्ट मीडियम का जो है वो एयर है, सेकेंड ग्लास है. ठीक है, और ग्लास का स्पीड हम लोग को बताना है सेकेंड मीडियम का. तो सिंपली फार्मूला लगा देंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या वाटर. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50, एयर का स्पीड भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर का स्पीड जो मैंने बताया है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हम लोग को निकालना है. तो क्या करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो क्या निकलेगा, 3×10⁸ है, 1.50 है. ये पॉइंट हटा, ऊपर 20 लगा, 1 0 से 1 0 कटा. ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया 30, यहाँ बना देते हैं. ऊपर क्या हो गया 30×10⁸ अपॉन 15, तो ये क्या आ गया 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आ गया इसका आंसर. थर्ड क्या, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट. किसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, इसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिखा है. ठीक है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, टर्पेंटिन का ये है, और वाटर का ये है. तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा, उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, तो ये होगा वाटर. ठीक है, इसमें सबसे कम होगा स्पीड, इसमें सबसे ज़्यादा होगा. तो फोर्थ देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ये मैंने बताया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड या कोई भी दिया हुआ है 0.42 दिया है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसका रेशियो जो है वो है 2.42. ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है. और एक और इसका मीनिंग होता है, ये भी लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो डायमंड में जब घुसेगा तो उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, किस फैक्टर से, 2.42 के फैक्टर से स्पीड जो है कम हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42. ये इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इसका दो रीज़न है, दोनों रीज़न बता दी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.